प्रदीप का चर्चित गीत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान, कितना बदल गया है इंसान। वर्तमान जीवन और हालातों में सटीक होकर मानव जीवन को सत्य का आईना ही दिखा रहा है। ताजा मामला जावरा के कुंदन कुटीर बालिका गृह की संचालिका से जोड़कर देखें, तो कथित शोषण मामले से चर्चा में आई इस प्रकरण की प्रमुख आरोपी डॉक्टर रचना भारती अब अपना चोला बदलकर आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर माई बनने जा रही हैं, जिन्होंने दो दिन पहले सेलाना के पास अड़वानिया आश्रम में साध्वी जीवन अंगीकार करते हुए वैराग्य धारण कर लिया है। 11 मार्च को वृंदावन में विधिवत दीक्षा लेंगी। डॉक्टर भारती द्वारा पिपलोदा रोड प्रताप नगर कॉलोनी में कुंदन वेलफेयर सोसाइटी के मार्फत कुंदन कुटीर बालिका गृह संचालित किया जाता था। 24 जनवरी 2019 को वहां से 5 बालिकाएं भागी थी। उसी दिन वे मंदसौर में मिली थी, जिसकी कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच करवाई थी। इसमें बालिकाओं के कथित शोषण व देखरेख में लापरवाही का मामला सामने आया था। तब SDM ML RA ने जांच की और फिर कलेक्टर के आदेश पर तत्कालीन नायब तहसीलदार CL टाक ने 31 जनवरी को IA थाने में FIR दर्ज करवाई। संस्था की पूर्व अध्यक्ष एवं संचालिका डॉक्टर रचना भारती, उनके पति एवं कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश भारती, तत्कालीन अध्यक्ष संदेश जैन, सचिव दिलीप बरैया को आरोपी बनाया गया था। जांच के बाद पुलिस ने बालिका गृह अधीक्षिका हंसा पाठक, पूर्व अधीक्षिका नेहा कुंवर सिसोदिया को भी आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। बाद में सभी जमानत पर छूट गए थे। इनमें से दिलीप बरैया का कोरोना काल में 8 अगस्त को निधन हो गया। 5 आरोपी पर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। आरोप के घेरे में घिरी संचालिका रचना भारती अब अध्यात्म को अपना कर चोला बदल रही है। सेलाना के पास अड़वानिया आश्रम में वृंदावन से आए चित प्रकाशानंद गिरी ने उन्हें दीक्षा दिलवाई है। अड़वानिया आश्रम से जारी बयान के अनुसार गुप्त नवरात्रि पर श्री आनंद गिरी महाराज के सानिध्य में 51 कुंडी यज्ञ हुआ। पूर्णाहुति पर वृंदावन से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री चित्त प्रकाशानंद गिरी महाराज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा के सानिध्य में डॉक्टर रचना भारती ने दीक्षा ली। उन्हें साध्वी अपराजिता गिरी नाम दिया गया है। सेलाना के अड़वानिया में आयोजित एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान के बाद गुरुजी ने मीडिया को बताया, अड़वानिया में पंचमुखी बालाजी मंदिर का जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर 51 कुंडात्मक यज्ञ का आयोजन रखा गया था। उस यज्ञ में 101 जोड़े ने आहुतियाँ दी और बड़े ही अच्छे परंपरागत ऋषियों की परंपरागत के द्वारा पूर्ण हुआ। हर्षोल्लास के साथ पूरे क्षेत्र की जनता ने सहयोग किया और उसी यज्ञ के उपरांत पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी चित प्रकाशानंद गिरी जी महाराज पूर्णाहुति पे उपस्थित रहे और जावरा से आए डॉक्टर रचना भारती जी ने अपना संन्यास लिया। पूज्य महाराज जी ने उन्हें दीक्षा दी और उनका नया नामकरण किया गया साध्वी अपराजिता जी गिरी जी, और बड़े ही हर्षोल्लास से उत्सव मनाया गया और हमारा साधु समाज परिवार उनको सहज स्वीकारता है। बाहर से नेतागिरी भी आए थे, नेता उपस्थिति रहे, सांसद जी, क्षेत्र के विधायक जी, बहुत पूर्व विधायक जी और भी तमाम लोग रहे। धार्मिक अनुष्ठान था इसलिए सभी लोग अपना जिम्मेदारी निभाए और सभी लोग उपस्थित रहे। साध्वी जी की बात करें तो साध्वी जी कहाँ जाएंगे? ये अभी इनका एक संस्कार और होना तय है, जो शिवरात्रि को इनका संस्कार एक और होना तय है। प्रक्रिया जो संन्यास की होती है, गुरु महाराज जी का आदेश हुआ है, वह शिवरात्रि पे 11 फरवरी 2021 को वृंदावन में होना है। 11 मार्च 2021 को वृंदावन में वो प्रक्रिया होना तय है। आपका नाम? मेरा नाम
श्री श्री 1008 आनंद गिरी जी महाराज। इस मामले में जिला न्यायालय के अभियोजन अधिकारी एस के जे ने एन टाइम्स को बताया, रचना भारती का अनुरोध है और रचना भारती अब शादी में इस मामले में प्रकरण क्या है और आपका क्या मानना है? रचना भारती उसके पति ओम प्रकाश और अन्य के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट और जाति और गंभीर अपराधों में प्रकरण न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रतलाम के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में अभी अभियोजन साक्ष चल रही है। प्रकरण में अभी साक्ष होकर के उसका निराकरण होना शेष है। प्रकरण अभी न्यायालय में लंबित है। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर सभी को कठोर दंड से दंडित किया जा सकता है। आजीवन कारावास का प्रावधान प्रकरण में चूँकि धारा 376 भादवी का आरोपण है जो कि आजन्म कारावास से दंडनीय अपराध है। उनका सार्वजनिक रूप में आने में इस केस में क्या फर्क पड़ सकता है? साध्वी रूप में आने से केस में मेरे ख्याल से विचारण में कोई फर्क नहीं है। उन्हें अपना बचाव आकर के न्यायालय में करना है। वो चाहे साध्वी के रूप में आए चाहे एक सामान्य नागरिक के रूप में आए, जो प्रकरण उनके विरुद्ध लंबित है उसके विचारण में उन्हें उपस्थित होना है और गवाहों का परीक्षण करना है। अब सवाल तो यह उठता है, जो स्वयं सच्चाई के रास्ते से अपना रास्ता भटक गई हो वह साध्वी बनकर अपने भक्तों को कौन सा और कैसा मार्ग दिखाएगी? अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक एवं आईजी उज्जैन योगेश देशमुख पहली बार शासकीय प्रवास पर बुधवार को रतलाम आए। एडीजी देशमुख ने नए पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले के अपराधों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पेंडिंग प्रकरणों को समय सीमा में न्यायालय तक पहुंचने के निर्देश दिए, जिससे आरोपियों को समय पर सजा मिल सके और फरियादी के साथ न्याय हो सके। बैठक में डीआईजी सुशांत सक्सेना, एसपी गौरव तिवारी सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। एडीजी ने बाद में पुस्तकालय तथा कॉफी हाउस का शुभारंभ तथा पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया। किसी शादी में गया पति देर से घर क्या पहुंचा कि पत्नी के गुस्से का शिकार हो गया। दोनों के बीच हुई तकरार में गुस्से में दोनों ने ही जहरीली दवा का सेवन कर लिया। मामला रतलाम के बिलपांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डेरी का है, जहां के निवासी दंपति द्वारा जहर खाने से हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार बीती रात दंपति के बीच विवाद के बाद यह स्थिति निर्मित हुई। 28 वर्षीय महेश पिता भेरूलाल परिवार में शादी में गया था। रात 12 बजे लौटने पर 25 वर्षीय पत्नी राजू बाई ने कहा कि तुम्हें दोपहर में आना था और रात में घर लौट रहे हो। इस बात पर दोनों के बीच जमकर विवाद होने के बाद दोनों ने जहर खा लिया। पड़ोसी दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। दोनों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इस मामले में उपचाररत पति महेश ने बताया, किस बात को लेकर पॉइजन पिया आपने, क्या कारण रहा? शादी में गए थे तो लेट हो गया था, इसके लिए पी थी। अच्छा। दो भैंसों की मौत के बाद दो पक्षों में हुआ विवाद अब पुलिस तक जा पहुंचा है। जिले के बाजना क्षेत्र से एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां दो भैंसों की हत्या के लिए दो पक्षों में विवाद हो गया, मामला पुलिस तक जा पहुंचा। अब पुलिस भैंसों का पोस्टमार्टम करवाएगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। दरअसल रतलाम जिले के बाजना तहसील के गांव कुंदनपुर में दीपक ढाबी की दो भैंस रविवार देर शाम अचानक घर आकर मर गई। दीपक ढाबी ने पता किया तो भैंस दिन में किराना व्यापारी चेतन टाक के बाड़े में महुआ खा रही थी। दीपक ढाबी ने बताया कि हमने वहां जाकर देखा तो वहां यूरिया भी पड़ा हुआ था। दीपक ढाबी ने किराना व्यापारी से कहा कि तुम्हारे जहरीले सड़े महुए खाने से भैंसों की मौत हो गई है, लेकिन चेतन टाक नहीं माना और दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। विवाद की सूचना पुलिस को मिली तो वह भी मौके पर पहुंची और पुलिस कुंदनपुर से भैंसों के शव को बाजना लेकर आई। फरियादी दीपक ढाबी के शिकायत आवेदन पर पुलिस ने मामला जांच में लिया और कार्रवाई शुरू की। भैंसों के शव का वही पोस्टमार्टम भी करवाया गया। इस मामले में एसआई थाना बाजना बंसी लाल हटीला ने मीडिया को बताया। सर, ये क्या मामला था कुंदनपुर विवाद को लेकर? कुंदनपुर में भैंस की मौत की बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था, तो थाने पे सूचना मिली तो वहाँ जाकर देखा तो लोगों को समझाया और पीएम के लिए, भैंस के पीएम के लिए उसको बाजना लाया गया है। बाद पीएम के जैसा भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी।
पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल ने मंगलवार को रतलाम मंडल के दौरे में रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, कोरोना के कारण ट्रेनों का परिचालन 22 मार्च से बंद होने के बाद अब धीरे धीरे वापस ट्रेनें शुरू की जा रही है। पश्चिम रेलवे में 50% ट्रेनें चलने लगी हैं। सभी ट्रेन चलाने में 2 माह का समय लग सकता है। छोटे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद किया है। इसकी पूर्ति के लिए लोकल ट्रेनें भी चलाई जाएगी। महाप्रबंधक आलोक कंसल शाम करीब 7:15 बजे रतलाम पहुंचे। जीएम ने स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद रतलाम मंडल के कार्यों को लेकर जानकारी डीआरएम विनीत गुप्ता ने दी। निरीक्षण के दौरान डीआरएम के सिन्हा, सीनियर डीसीएम सुनील मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्हें रेलवे कर्मचारी संगठनों ने ज्ञापन भी सौंपा। शहर में लगातार हो रही खुदाई ने व्यापार को ठप कर हादसों को जन्म दिया है। शहर के प्रमुख बाजार माणक चौक क्षेत्र में पेयजल लाइन डालने के लिए मंगलवार की रात से खुदाई शुरू हुई। नगर निगम में खुदाई कर काम अधूरा छोड़ दिया, जो रहवासियों और व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गया। खुदाई होने से रास्ता अवरुद्ध है, वहीं मलबा पड़े होने से दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। खुदाई के कारण खरीदारी के लिए ग्राहक आ जा नहीं पा रहे। निगम को ऐसे सार्वजनिक और अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में खुदाई के साथ ही पाइपलाइन डालकर जल्द ही काम पूरा करना चाहिए, लेकिन निगम का हर काम लापरवाही का शिकार होता है। क्षेत्रीय व्यापारियों का कहना है कि विजय कुमार लोनिया, क्या समस्या आ रही है? रोड के खुदाई 20 तारीख से हुई है, अभी तक ये मलबा हटा नहीं है। ग्राहक गिर भी जाते हैं, गाड़ी रखने में दिक्कत आती है, दुकानदार को भी दिक्कत आती है बाहर निकलने में। जो भी आता है, कई लोग गिरे भी सही और ठोकर भी लगती है, तो सब हमको काफ़ी तकलीफ हो रही है। कब उठाएंगे ये भी पता नहीं चल रहा। शिकायत वगैरह करी नगर में? शिकायत नगर निगम में करी, वो बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, ठेकेदार जिसने करा उसका काम है। तो ठेकेदार को सूचना तो नगर निगम ने ही दी होगी ना, आर्डर तो उन्होंने ही दिया होगा, तो उनका फर्ज बनता है इसको हटाने का। हम कब तक ये तकलीफ सहन करेंगे? एक दिन, दो दिन, आज पाँचवा दिन है। किस तरीके की समस्या आपको दुकान पर? गाड़ी रखने में तकलीफ आ रही है, धूल उड़ रही है, ग्राहक नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ग्राहक को आने में दिक्कत हो रही है। और कब उठेगा ये मालूम नहीं पड़ रहा है, कब उठेगा।